हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट केजीएमसी बीएससी नर्सिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी कंबाइंड होकर दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो सेकंड काउंसलिंग की डेट 22 तारीख थी, लेकिन जो कट ऑफ का क्राइटेरिया था 50% एंड 40%, जो इसको रिड्यूस किया गया था, 50 से 40 किया गया था और 40 से 30 किया गया था, क्वालिफाई मार्क किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये क्वालिफाई मार्क है जो आप क्वालिफाई करके प्राइवेट भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मिनिमम नंबर पर। तो जो आपका 40 और 30% किया गया, काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अब क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। ऐसा नहीं है कि आपका 80 नंबर है, 70 नंबर है और आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा, आपको प्राइवेट मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से क्वालिफाई मार्क कम किया गया है, ना कि कट ऑफ नंबर कम किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप अभी इस पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये लिंक आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जस्ट फिर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक पे, फिर ये पेज खुलेगा जहां से आपको इस फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां बीएससी नर्सिंग चूज करेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। एक स्टूडेंट का मैं दिखा रहा हूँ जिसका मार्क है 79, अभी आगे आपको मार्क भी दिखेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पर नीचे जो है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे, ये लॉगिन पे, इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे रैंक आपकी दिखेगी 14,788 रैंक इनकी है और इनका स्कोर जो है 79 स्कोर है। और टोटल इनके यहाँ पे टोटल नेम, फादर्स नेम और सब डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ये सब आप देख लेंगे, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेज जो भी हैं ओबीसी कैटेगरी, फिर इस पर आप नेक्स्ट करेंगे। इस पर आप नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, देखिए नेक्स्ट आप जैसे ही करेंगे नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको देखिए एकदम शुरू से देख लीजिए हर चीज़ें। यहाँ पे आप माइनॉरिटी अपना सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन देगा कि एन ए रिलीजियस क्या है आपका, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रिलीजियस आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्वालिफाई एग्ज़ाम पास आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंटरमीडिएट पे ये एग्ज़ाम दिए हैं। कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरीज वाइज की कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी और सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉस पॉइंट एड्रेस लाइन आप लिख लेंगे, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आप ट्वेल्थ के जो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कितने नंबर हैं वो, और यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर टोटल मार्क लिखेंगे, यहाँ पर कितना उसमें आप इंटर में गेन किए हैं इंग्लिश में वहाँ पर, और यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को आप सुरक्षित रखेंगे, भूलेंगे नहीं, वही पासवर्ड आप चॉइस फिलिंग जब कॉलेज करेंगे तो वहाँ पे काम लगेगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड कोई जनरेट कर लीजिएगा जो हमेशा याद रखें, और यहाँ पे ये कैप्चा फिर यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। ये फाइनल सबमिट होने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर चॉइस फिलिंग होगा। तो इतना प्रोसेस कर लीजिए, जो कट ऑफ क्राइटेरिया डाउन किया गया था क्वालिफाई, वो डाउन होकर अब होने लगा है। काफ़ी स्टूडेंट यही परेशान थे कि अभी हो नहीं रहा, अभी होना शुरू नहीं हुआ, तो होना शुरू हो गया है। आप अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और काउंसलिंग अच्छे से कराएं, और सभी अपडेट चैनल पे मेरे प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी 2023 के लिए तैयारी भी कराई जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरे ही चैनल के माध्यम से। तो चलिए, अभी काउंसलिंग जिस भी स्टूडेंट को कराना है अच्छे से काउंसलिंग कराइए, और अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरनेट कैफ़े का सहारा लीजिए, जहाँ पर इंटरनेट कैफ़े अच्छे से उनको जानकारी हो वहाँ से आप कराइए, तो गलती होने के कम चांस रहेंगे। तो बस यही इतना था, अच्छे से काउंसलिंग कराएं। थैंक यू।